Hi guys, welcome back to my channel Harshit Sharma. And guys, आज ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है भाई बताता हूँ फ्रेंड्स, एक नया मेहमान है, एक छोटी सी चीज मैंने ली है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइज, और वो ये है गाइज बोया का माइक, बोया BY-MM1। और गाइज मैं बता दूं आपको, ये एक शॉटगन माइक है जो कि व्लॉगिंग के लिए बहुत फेमस है। बोया ने इसको स्पेशली व्लॉगर्स के लिए बनाया है। और गाइज ये मैंने क्यों लिया है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह से वर्क करता है, और ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है मार्केट में, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उन्हें तो पता है गाइज। और इसकी ना अनबॉक्सिंग करेंगे गाइज अभी हम थोड़ी देर में, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके, ये माइक इंस्टॉल करके, इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है वो सब आपके साथ अभी शेयर करूंगा। ओके, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सो गाइज वेलकम बैक, और ये देखिए बॉक्स है मेरे हाथ में, बोया का माइक BY-MM1। और गाइज ये देखिए इस पे लिखा है कंपैटिबल विद स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और DSLR कैमरा, सबसे कंपैटिबल है ये, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। और व्लॉगर्स को ध्यान में रखते हुए बोया ने ये प्रोडक्ट बनाया है। और गाइज ये जो है ना, ये देखिए इस पे पीछे लिखा है फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस वगैरह। और ये मैंने अभी बॉक्स खोला था गाइज, तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अरे वाह फ्रेंड्स, ये देखिए ये है लेदर का केस इसमें रखने के लिए, जिसकी डिसेंट क्वालिटी है, ठीक है। और ये देखिए ये है, ये अमेरिकन जिसको डेड कैट बोलते हैं, और ये ना फ्रेंड्स ये माइक के ऊपर लगता है और फिल्टर करने के लिए वॉइस को, ताकि कोई भी अनवांटेड नॉइज ना आए, बहुत काम की चीज़ है ये, इसके बिना माइक अधूरा है। तो ये अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन करा है, बिल्कुल फर वाली फील है इसकी। और इसमें ये होल है यहाँ पर, और देखिए ये है माइक, ये देखिए ये है शॉट गन माइक, बिल्कुल गन की नली की तरह है। और ये देख रहे हैं इसकी जो खासियत है ना गाइज माइक की, वो ये है कि आप जिसकी तरफ इसको पॉइंट करेंगे ना, उसकी ये आवाज़ बहुत आराम से, बहुत इजीली कैप्चर कर लेता है। और व्लॉगिंग में अक्सर क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बात करनी होती है, और गाइज वीडियो क्वालिटी की सब बात करते हैं, बट आई बिलीव कि वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझ आ रहा, देखने वाले को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये माइक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज, वीडियो क्वालिटी से इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑडियो क्वालिटी। ओके, तो ये इस तरीके से डिज़ाइन है, और काफ़ी थोड़ा हैवी भी है उठाने में। मटेरियल एकदम बिल्कुल ये स्टील आयरन टाइप का बना हुआ है, ये मेटल का, और काफ़ी स्टर्डी है। देखिए मैं ग्लास पे जो है आवाज़ सुनिए इसकी, काफ़ी हैवी है। और ये इसके ऊपर ना ऐसे ये लग जाता है फ्रेंड्स, ये गया ऐसे ऐसे ऐसे, बड़े आराम से गया है। और ये अब ये बन गया है पूरा शॉटगन माइक। और इसके साथ ना इम्पॉर्टेंट ये चीज़ दी है इन्होंने गाइस फ्रेंड्स, ये है माउंट, तो ये प्लास्टिक का बना है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये बहुत काम की चीज़ है। स्मार्टफोन पे ये माउंट हो सकता है, DSLR पे हो सकता है, और जब हम ब्लॉगिंग के लिए घूमते हैं तब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए ये इस पे ना इस तरीके से ऐसे 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 ये लग गया है, ऐसे ये फिक्स हो जाता है। और ये इस पे नीचे एक होल भी दिया हुआ है स्क्रू पे, ट्राईपॉड पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है ये ट्राईपॉड पे लगाने के लिए। और अब देखते हैं इसके साथ और क्या क्या है बॉक्स में। ये दो वायर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पहली वायर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली, ये पुराने टेलीफोन जैसी वायर इन्होंने छोटी सी बनाई है, ये DSLR की वायर है, DSLR से कनेक्ट करने के लिए। और एक बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स कि इसका साइज़ इन्होंने छोटा रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने इसको कैमरा के ऊपर ही माउंट करना है, तो ज़्यादा लंबी वायर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उस हिसाब से इन्होंने छोटा रखा है, बहुत अच्छा है। तो ये जो है साथ में एक वायर और है फ्रेंड्स, ये है स्मार्टफोन की वायर, और देखिए इस पर लिखा भी हुआ है स्मार्टफोन, ये देखिए स्मार्टफोन लिखा है। और ये भी छोटी है वायर, तो बहुत अच्छी है, वायर की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाया है बोया ने। तो फ्रेंड्स ये देखिए, और क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि फ्रेंड्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लेदर का केस भी है साथ में,
क्यों इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड ये माइक कि जब हम व्लॉगिंग करते हैं और कई कैरेक्टर्स होते हैं तब उस टाइम पे हम जो है कॉर्डलेस माइक पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें एक ऐसा माइक चाहिए होता है जो दूर से यू नो कैमरे के ऊपर माउंट हो जाए और सबकी वॉइस ये जिसकी तरफ भी पॉइंट करे वहाँ उसकी वॉइस ये कैप्चर करे। और फ्रेंड्स जैसे आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जैन चावल वाला है ना, वो कनॉट प्लेस में, तो फ्रेंड्स वहाँ पर तो इतनी भीड़ भाड़ थी भाई साहब, इतना कभी बस जा रही है कभी गाड़ी आ रही है, लोग वहाँ पटरी लगी हुई थी, 35 रुपये 50 रुपये 100 रुपये हल्ला मचा हुआ था। तो वहाँ पर ना फ्रेंड्स हम ये माइक भी यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन बचता है, वो मैं ये दिखाता हूँ, ये है कॉलर माइक। ये आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, मैं ऐसे इसको ऐसे कॉलर पर लगाता हूँ फ्रेंड्स। और ये माइक जो है इसकी खासियत ये है कि चाहे कितना भी शोर हो रहा हो, बाजार में हो मार्केट में हो, ये आपकी वॉइस हमेशा जो है कैप्चर कर लेता है। और इसकी वायर जो है बहुत लंबी है, आप काफ़ी दूर से जो है इस आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब मैं जैन चावल वाले की वीडियो बना रहा था तो मेरे पास यही ऑप्शन था, मैं इसी माइक से जो है ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता था। और ये वाला माइक जो है गन माइक है, ये आप कर सकते हो जब ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, बाहर लिमिटेड नॉइज़ है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, और बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। तो ये दोनों वेरिएशन हो जाता है। स्मार्टफोन के अंदर भी माइक होता है, आप सोच रहे होंगे स्मार्टफोन का माइक क्यों नहीं यूज़ करते। फ्रेंड्स स्मार्टफोन के माइक में एक प्रॉब्लम है कि वो उतना उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए हमको ये एडिशनल माइक्स लेने होते हैं। और आप जिसकी भी वीडियो देखा होगा अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी दैट मीन वो माइक यूज़ कर रहा है। ओके तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करने वाला हूँ, और हाँ पहले ये बता दूँ कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था फ्रेंड्स ये माइक, और ये माइक का प्राइस है 1999 का, 1999। और ये कभी कभार सेल भी आती है इसमें साल में एक आध बार, तो ये 1599 का भी मिल जाता है, बहुत रेयर होता है ऐसा। और 1999 का है ये अमेजोन पे, बाहर भी अवेलेबल है, आप जहाँ चाहें वहाँ से इसे ले सकते हैं। और जो है फ्रेंड्स इसमें साथ में ये जो है मैनुअल भी आता है, तो ये कोई पढ़ता नहीं है वैसे लेकिन हाँ आता है ये। तो अब हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो है इसकी वॉइस क्वालिटी अभी हम चेक करेंगे और देखेंगे कि वाकई दम है या नहीं, और इसकी भी वॉइस क्वालिटी देखेंगे, इसकी भी देखेंगे और नॉर्मल स्मार्टफोन की भी देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी थोड़ी देर में हम वॉइस क्वालिटी चेक करते हैं। ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक। और ये वॉइस जो है वो आ रही है गाइस अभी इस वक्त शॉटगन माइक से, और सुनिए आप कैसी लग रही है वॉइस की क्वालिटी। और मैं तो तब सुनूंगा फ्रेंड्स जब मैं वीडियो एडिट करूंगा, उस टाइम पे हेडफोन्स लगा के मैं वॉइस सुनूंगा। और बाकी आप देखिए, आप बताइए कैसी आ रही है वॉइस। तो इस वक्त जो वॉइस है वो हमारे शॉटगन माइक से आ रही है। और फ्रेंड्स अब चेक करते हैं नेक्स्ट हम कॉर्डलेस माइक से, सॉरी कॉर्डलेस माइक बोल रहा हूँ, कॉलर माइक से। तो कॉलर माइक से अब चेक करेंगे नेक्स्ट। ओके सो गाइज ये देखिए, ये है कॉलर माइक। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ वो कॉलर माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये कॉलर माइक की क्वालिटी है। और ऑनेस्टली बताऊँ ना फ्रेंड्स, चाहे शॉटगन माइक हो चाहे कोई भी माइक हो, कॉलर माइक की जो क्वालिटी होती है वो सबसे बेस्ट होती है। वो इसलिए क्योंकि ये माइक जो है हमारे कॉलर पे लगा होता है, पास होता है मुंह के, ये सबसे इसका जो है बेनिफिट है। और क्या होता है ना, हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं फ्रेंड्स। तो प्रोस ये है कि ये कॉलर पे लगा हुआ है, और प्रॉब्लम इसकी कॉन जो है वो ये है कि इसकी वायर जो है वो बहुत लंबी होती है, तो ये हम हर जगह इसको कैरी नहीं कर सकते। लेकिन जब सबसे फ़ायदा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदा तभी है जब बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल माइक है। और ये सस्ता आता है फ्रेंड्स, आपको और दूसरी नॉर्मल ब्रांड्स में या चाइनीज़ कंपनी में आपको 200, 250, 300, 400 रुपये के भी मिल जाएंगे। ये बोया का है, तो ये आई थिंक ये 1000 रुपीज़ समथिंग का मैंने कुछ लिया था, 1500 या मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, आप चेक कर सकते हैं बोया का इसका प्राइस कॉर्ड वाले माइक का। तो या अब चेक करते हैं हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन की क्या वॉइस क्वालिटी होती है, तो वो चेक करते हैं अब। ओके हाय गाइस, तो ये है अभी स्मार्टफोन की नॉर्मल उसकी जो इनबिल्ट माइक होता है स्मार्टफोन का, तो उसकी वॉइस है ये। तो आप देख लीजिए कितना जो है कंपैरिजन है
माइक लगा करके वॉइस कितनी क्लियर हो जाती है, ये डिफरेंस आपको जो है अपने आप पता चल जाएगा। और अच्छा होता है ये माइक भी जो स्मार्टफोन में लगा होता है। और मैं अपने शूट्स के लिए गाइस रेडमी के फ़ोन्स यूज़ करता हूँ और अच्छा क्वालिटी है, इसकी भी अच्छी क्वालिटी है, बट माइक का एक अपना ही अंदाज़ होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने आज देखा और मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखाई बोया BY MM1 माइक का, और जो कि एक शॉटगन माइक है तो उसकी हमने अनबॉक्सिंग करी। कॉर्डलेस माइक का, जो कॉर्ड वाला माइक है, उसकी भी हमने ऑडियो क्वालिटी देखी। तो हमने ये सब देखा गाइज, और मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और यहाँ फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हर्षित शर्मा। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनको स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।